गुमला शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए शुक्रवार को पुलिस बीट की शुरुआत की गई। 4 पुलिस बीट बनाया गया है जो शहर व ग्रामीण इलाकों में अपराध नियंत्रण के लिए काम करेंगे। एसपी शंभु कुमार सिंह ने बताया कि गुमला थाना परिसर से पुलिस बीट का उद्घाटन कर दिया गया है। चारों बाइक बीट शहर का अवलोकन करेंगे। पब्लिक को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वे बीट के पुलिस जवान या ऑफिसर को जानकारी दे सकते हैं। पुलिस तत्काल हरकत में आएगी और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी। यह बाइक बीट वाहन शहर में 24 घंटे ड्यूटी में रहेंगे। आज गुमला थाना में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पहला तो ये कि जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पे हम लोग तीन अलग अलग बीट के रूप में बीट पदाधिकारी का प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पब्लिक को अब थाना आने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पुलिस पदाधिकारी मोहल्ले तक जाएंगे और उस मोहल्ला में जाकर एक नागरिक मोहल्ला समिति का गठन करेंगे। इसमें उस क्षेत्र के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, शांति समिति के सदस्य हैं, यूथ्स हैं, महिलाएं हैं, उनको जोड़कर एक मोहल्ला समिति पुलिस नागरिक मोहल्ला समिति का गठन करेंगे। और अब उनको मोहल्ले स्तर पर कोई समस्या होती है, पुलिस से किसी तरह की सहायता सहयोग की अपेक्षा है, तो वो हमारे बीट पदाधिकारी वहां जाकर उनकी बात को सुनेंगे और वहां उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो फिर उनको थाना पर लाएंगे, उनको जो भी लीगल रेमेडी होना है उनको दिलाएंगे। इसके अलावा अपराध और की रोकथाम, इन सब चीजों के लिए हम लोग अभी शहरी क्षेत्र में टाइगर मोबाइल को आज हम लोग फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, जिसमें 4 जो हमारे टाइगर मोबाइल के जवान जो है 2 अलग अलग मोटरसाइकिल पर सिर्फ शहरी क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। दिन के समय हम लोग इसकी संख्या 3 से 4 बाइक भी कर सकते हैं, जो कि हमारे इस कोर्ट प्रमाइसेस बाजार के क्षेत्र स्कूल कॉलेज है उन सब जगहों पर घूमेंगे। और जहाँ पे भी इस तरह की शिकायत या किसी तरह का अनसोशल एलिमेंट है, UPG की शिकायत स्कूल कॉलेजेस के अगल बगल आती है, या नशा के कुछ जो युवा अभी शिकार हो रहे हैं उनके ऊपर नजर रखना है। इसके अलावा जो शहर में महत्वपूर्ण जो बैंक्स हैं, हमारा ज्वेलरी दुकान है, इन सब चीजों पर लगातार वहाँ पे जाएंगे। सभी बैंक्स में ज्वेलरी दुकान पर हम लोग रजिस्टर का संधारण कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम लोग QR बेस्ड पेट्रोलिंग की भी फैसिलिटी यहाँ पे लाएंगे। तब तक के लिए हम लोग रजिस्टर वहाँ पे संधारित कर रहे हैं। हमारे पेट्रोलिंग अफसर वहाँ जाएंगे और उस रजिस्टर में अपनी एंट्री करेंगे और वहाँ के जो भी दुकान के जो ऑनर हैं उनसे बात करेंगे। किसी तरह का कोई उनको सहयोग की अपेक्षा है तो वो ऑन स्पॉट उनको उपलब्ध कराएंगे। ये पूरा मकसद हम लोग का यह था कि शहरी क्षेत्र को हम लोग छोटे छोटे बीट में बांटकर पुलिस को हम लोग उनके मोहल्ले तक पहुंचा। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण था, इस गुमला थाना को हम लोग ग्रामीण क्षेत्र, हमारा जो टोटो है, टोटो में थाना का भवन निर्मित है और अधिसूचना अभी प्रक्रिया में है। तब तक के लिए हम लोग एक वहां पे भी बीट का आज उद्घाटन किए हैं, जिसको बीट संख्या 4 है। वहां पे भी एक सब इंस्पेक्टर और एक ASI की पदस्थापन किया गया। उनका मेन मकसद यही है कि ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को यहाँ आने में काफी परेशानी या दूरी के कारण कई दफा वो लोग यहाँ आने में भी परेशानी उनको महसूस हो, अब वो वहीं से अपनी बात को रख सकते हैं और वहीं से उनको जो पुलिस से सहायता चाहिए हम लोग वहाँ पे उनको उपलब्ध करते हैं। तो कुल मिला जुला कर शहरी क्षेत्र में अपराध और लोगों को पुलिस से जो सहयोग और पुलिस से जो अपेक्षाएं हैं उसको और स्ट्रेंथन करने के उद्देश्य ये दोनों कार्यक्रम आज हम लोग इसको फ्लैग ऑफ करके स्टार्ट कर रहे हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।